नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का आज के तमाम अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा 2 जून को जिला मुख्यालय कोंडागांव पहुंचे और उन्होंने बीजेपी छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव 13 मई से 1 जून तक संचालित रहा, जिसके लिए कोंडागांव विधायक और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकसभा निर्वाचन की मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो, उसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। बता दें कि तैयारियां अपने लोकसभा निर्वाचन के तहत राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा पंडरिया और कवर्धा के मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त मतगणना ऑब्जर्वर अरुण कुमार मनहास ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे के साथ संयुक्त रूप से कृषि उपज मंडी बिलासपुर रोड स्थित मतगणना स्थल का जायजा लिया और मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि मतों की गणना 4 जून यानी कि आज सुबह 8 बजे से कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर रोड कवर्धा से शुरू हो गई है और इसी के साथ कलेक्टर ने यह भी बताया कि ईवीएम मतों की गणना के लिए दोनों विधानसभा के लिए 21-21 टेबलों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 7 टेबल के लिए अलग से अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, जबकि प्रत्येक विधानसभा के लिए 21 टेबल में रिजर्व कर्मचारी सहित 29-29 मतगणना पर्यवेक्षक और 29-29 गणना सहायक और 27-27 माइक्रो ऑब्जर्वर रखे गए हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना आज शुरू हो गई है, इसके बाद पता चलेगा कि पूरे देश में किसकी सरकार बन रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने समीकरणों को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी जुड़े हुए हैं। कल मतगणना होनी है और पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है, ऐसे में सीधा उनसे संवाद करेंगे। कल मतगणना होनी है, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, 11 की 11 सीटें लेकर जा रहे हैं या नहीं? छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट पर और बहुत अच्छे समाचार हैं। निश्चित रूप से जो लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव में प्रचार के समय में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जिस लक्ष्य को साधा था, उस लक्ष्य को परिणाम में परिवर्तित होते हम सब देखेंगे। 11 की 11 सीट, 400 पार का नारा दिया गया था, क्या लग रहा है ये 400 पार का नारा पूर्ण होता नजर आएगा देश में, या फिर 400 पार नहीं तो कितनी सीटें जो है आ सकती? नहीं, बिल्कुल 400 पार नजर आता दिखेगा, नहीं दिख रहा है। और सभी एग्जिट पोल, सभी चैनलों के माध्यम से सभी समाचार जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं,
उसमें निश्चित रूप से ये परिलक्षित हो रहा है कि एनडीए 400 पार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एग्जिट पोल को लेकर के देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने डिबेट में बैठने से भी मना कर दिया, क्या लग रहा है कि डर का माहौल है क्या देश में कांग्रेस? नहीं, अब एग्जिट पोल में वे के उसके ऊपर इनका अविश्वास, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इनका अविश्वास, ये तो पूरा देश देख रहा है। आपको जो बात कहनी है आप उसमें आके कहिए। बाद में इन्होंने अपने कुछ उनको भेजा भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बात की जानकारी तो इनको भी होगी कि पूरा देश जब ये कह रहा है, सारे एग्जिट पोल एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी बड़े बहुमत के साथ फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बहुमत के साथ, अत्यधिक बहुमत के साथ केंद्र में आ रही है, तो 7 चरणों में जिस तरीके से एक उथल पुथल अविश्वास का वातावरण जिस तरीके निर्मित करने का कांग्रेस और अन्य घटक दलों ने, इनके जो है एनडीए के सभी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब कहने के लिए कुछ है नहीं। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, जिन्होंने बताया कि कल जब नतीजे आएंगे तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती नजर आएगी। वहीं अगर देश की बात करें तो देश में ये कहना है कि एनडीए की सरकार बन रही है, 400 पार का नारा जो दिया जा रहा था वो पूर्ण होता नजर आएगा, ऐसा इनका कहना है। देखने वाली बात यह है कि कल जब मतगणना होती है तो छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती है। कैमरामैन नरेश शाह के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून यानी कि आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने के कारण आम जनता को यातायात के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे देखते हुए अंबिकापुर शहर और अंबिकापुर से होकर आने जाने वाली वाहनों के लिए सरगुजा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है ताकि यातायात व्यवस्था सुगम और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। साथ ही बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 मतगणना स्थल आने वाले सभी वर्गों के लिए प्रतिबंधित पदार्थ गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीली पदार्थ, माचिस, लाइटर, किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। महासमुंद में इन दिनों राजस्व विभाग लगातार अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते नजर आ रहा है। वहीं पिथौरा तहसीलदार ने भी बामडीही निवासी रमेश भगत की, जो कि 50 सालों से मकान बाड़ी निर्माण कर अपने परिवार के साथ रहता था, उन पर भी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उक्त जमीन शासकीय होने के कारण ग्रामीण और सरपंच द्वारा तहसील कार्यालय में बेदखली के लिए शिकायत किया गया था, जिस पर की तहसीलदार प्रभारी पंचायत एवं पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कार्रवाई की। ये मामला दरअसल बहुत पुराना है, पहले भी चला हुआ है हमारे न्यायालय में और एसडीएम सर के न्यायालय में भी चला हुआ है, लेकिन पक्षकारों द्वारा हाईकोर्ट लेके चले गए थे इसको अपील में, तो वहाँ ये निर्णय आया था कि माननीय उच्च न्यायालय से कि इस मामले की सुनवाई मतलब समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा था कि अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा इसका निराकरण किया जाना है, तो वहाँ पर पक्षकार लोग वहाँ पर सुनवाई करवाए थे अपना, तो उस सुनवाई के तहत पिछले जो आदेश हुआ था बेदखली का संबंधित अतिक्रामकों को, उसी आदेश को स्थिर रखा गया है, तो उस आदेश को स्थिर रखने के कारण आज हम लोग बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे पूर्वजों से ये हम लोग काबिज थे यहाँ पे, और मतलब मैं ही नहीं जान रहा हूँ, मतलब दादा परदादा से हम लोग यहाँ काबिज थे और उसी के आधार पर हम लोग अभी मतलब यहाँ निवास कर रहे थे, फिर भी मतलब और इसी खसरा नंबर पे जो है और भी मतलब हमारे बाद बसे हुए हैं, लेकिन हम इतने सीनियर होते हुए भी हमको यहाँ से मतलब बेदखल किया जा रहा है। कारण कुछ नहीं है सर, सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, और फिर भी जो मतलब अभी हाई कोर्ट में हम लोग इसको मतलब चल रहा है केस जो है, फिर भी ये लोग मतलब ना उसके अवमानना कर रहे हैं तहसीलदार साहब, सब पॉलिटिक्स है सर और कुछ नहीं है और जेलसी है। खबर रायपुर से है जहां एयर ट्रैफिक डीजीएम के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल ये चोरी 31 मई को हुई थी जब घर में कोई नहीं था। न्यू राजेंद्र नगर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई थी। जांच में दो संदेहियों का नाम सामने आया था, राहुल उर्फ राजू
बचेल और प्रीतम लांडी। पुलिस ने दोनों संदेहियों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की है और पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। डीजी मैम के घर से दोनों चोरों ने 40 तोला सोना की चोरी की थी, जिसमें कि पुलिस की कार्रवाई के बाद 30 तोला सोना आरोपियों से बरामद किया गया है। पुलिस ने इसकी कीमत 18 लाख रुपए बताई है। वहीं बचे हुए 10 तोला सोने की खोजबीन अभी तक चल रही है। थाना न्यू राजेंद्र नगर में 31 मई को रिपोर्ट हुई कि अमलेटी क्षेत्र में चोरी हुई है, जिसमें प्रार्थी जान अब्राहम जान जो है एयर ट्रैफिक में डीजीएम के पद पर है गोंदिया में। तो वे 26 तारीख को यहां से गए थे और 31 तारीख को उनके घर के नौकराई ने फोन किया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। उसके आधार पर प्रार्थी ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में लगभग 40 तोला के आसपास सोना उसने बताया कि एक अलमारी था, अलमारी के ठीक ऊपर एक सूटकेस रखा हुआ था। सूटकेस में ही उसने अपना सोना और कुछ कागजात रखे हुए थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल में जो वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, फिंगरप्रिंट और बाकी सबको ले जाया गया। इसके पश्चात घटना का रिपोर्ट के बाद एक टीम बनाई गई, जिसमें अलग अलग जो क्षेत्र उसमें सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और मुखबिर को अलर्ट किया गया। जो आरोपी जो छूटे हैं जेल से, उनसे ही पूछताछ की गई। इसी तारतम्य में यह देखा गया कि दो व्यक्ति जो सस्पेक्ट लगे, राहुल उर्फ राजू बघेल और प्रीतम तांडी, जो उस एरिया में घूमते देखे गए थे। बाद में उनको निशानदेही करके पूछताछ किया गया। पूछताछ पर फिर उन्होंने घटना करना कारी स्वीकार किया और इनके आरोपियों के कब्जे से लगभग 30 तोला सोना की रिकवरी हुई है, जिसका अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए है। आरोपियों के नाम है राहुल उर्फ राजू बघेल, पिता धन सिंह बघेल, लगभग उम्र 25 साल, दुर्गा नगर थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर का है। दूसरा आरोपी है प्रीतम तांडी, पिता अनूप तांडी, 28 साल का निवासी है, ये भी दुर्गा नगर का ही रहने वाला है। इस चोरी की घटना के तत्काल बाद थाना राजेंद्र नगर की पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को खोजा है और इसमें बहुत अच्छे से सोना का रिकवरी किया। खबर अंबिकापुर से है, जहां शहर की स्पोर्ट्स दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना के बाद जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम की ओर से घटनास्थल के आसपास दुकानों को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बनाकर भीषण आग पर काबू पाया गया। भीषण आग पर काबू पाने के लिए लगभग 15 दमकल के वाहनों सहित एयरपोर्ट अग्निशमन वाहन का भी उपयोग किया गया। इस आगजनी में स्पोर्ट्स सेंटर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तस्वीरें आप ये भीषण आग की अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये अंबिकापुर की तस्वीरें हैं, जहां की स्पोर्ट्स दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना के बाद जिला प्रशासन और सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की। तो वहीं आपको भी बता दें कि दमकल की 15 वाहनों के सहित एयरपोर्ट के अग्निशमन वाहन को भी यहां पर बुलाया गया था, जिन्होंने एकजुट होकर आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इस आगजनी में हालांकि स्पोर्ट्स सेंटर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है और गनीमत यह रही कि किसी की भी जान हानि का नुकसान सामने नहीं आया है। तस्वीरें आपको लगातार अंबिकापुर से हम दिखा रहे हैं, जहां के शहर के स्पोर्ट्स दुकान में ये भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। अंदर कुछ फैन चल रहा है, इन्वर्टर को बंद कराने के लिए एटीएम में जा। राज्य में इस समय भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के चलते प्रदेश की कई जगहों में भीषण आग भी लग चुकी है और अन्य कई जगहों से आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही है। उसी कड़ी में एक बार फिर से आगजनी की एक बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक के पास स्थित एक होटल में आग लग गई। आग होटल के ऊपरी मंजिल में लगी है। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। वहीं आग इतनी भीषण थी कि होटल के कई हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल आग लगने से जान हानि होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, होटल में आग लगने की ये तस्वीरें हैं और आग लगने की वजह से होटल पूरी तरह से जल कर राख हो गया है। हालांकि किसी की जान हानि की खबर सामने नहीं आई है। ये गनीमत की बात हुई है और शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं जहां के आकाशवाणी चौक के पास स्थित ये होटल है जिसमें ये आग लग गई। होटल के ऊपरी मंजिल में पहले आग लगी, फिर आग ने भीषण रूप धारण कर लिया जिसके बाद होटल के कई हिस्से जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की गई जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही है कि किसी की भी जान हानि की खबर उसमें सामने नहीं आई है, लेकिन होटल के कई हिस्से पूरी तरह से जलकर राख हो गए। खबर श्यामपुर से है जहां एक किसान के खेत के पास बने कुएं में बैल गिर गया, जिसकी सूचना किसान ने ग्राम विकास ग्राम विकास ग्रुप के माध्यम से जानकारी होने पर सैकड़ों ग्रामीण के किनारे खेत के पास बने हुए कुएं पर उपस्थित हुए। वहीं गांव के युवा नुगुल राम और तुलसी नेताम ने कुएं में उतरकर कुएं में गिरे बैल को सींग और कमर के पास रस्सी बांधी, जिससे ग्रामीण द्वारा कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद किसान ने सभी ग्रामीण भाइयों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब फसल बोने का समय है, अगर ठीक है खबर गुना से है जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पितृ पुरुष कहे जाने वाले कैलाश नारायण सारंग की पुण्यतिथि बीजेपी जनों ने नरसेवा जीव दया के भाव के साथ मनाई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता विश्वनाथ सिंह सीकरवार की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में फल वितरित किए, गायों को चारा खिलाया, पक्षियों के लिए सकोरे टंगाए और 101 पौधे भी लगाए। वहीं कैलाश सारंग की पुण्यतिथि पर देर शाम पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता विश्वनाथ सिंह सीकरवार ने बैकुंठवासी कैलाश सारंग के जीवन पर प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी को मजबूत देने के लिए बाबूजी के आदर्शों का अनुसरण करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष जनसंघ के संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता काश्यप महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवक परम पूज्य बैकुंठवासी श्री बाबूजी कैलाश सारंग जी के पुण्यतिथि का अवसर था। इस अवसर पर हमने पंचमुखी शब्दाश्रम पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करके पूज्य बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। हमने पंचमुखी आश्रम के महंत पूज्य सियाराम महाराज जी को 101 पौधे भेंट किए बाबूजी की स्मृति में। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने आपात राहत की बैठक के दौरान बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की क्विक रिस्पांस टीम के माध्यम से मॉक ड्रिल कराए जाने के लिए निर्देशित किया था, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट शशिधर पल्लई और प्लाटून कमांडर संतोष डिंडोर के द्वारा जिले की क्विक रिस्पांस टीम को आगामी मॉनसून से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए तैराकी और पानी में डूब रहे विक्टिम को रेस्क्यू टेक्निक द्वारा बचाने का अभ्यास कराया गया। तो वहीं फ्लोटिंग पंप और मोटर बोट के ओबीएम और इम्प्रोवाइजन तरीके से बनाए गए राफ्ट आदि की टेस्टिंग की गई और जवानों से बोट हैंडलिंग का अभ्यास भी कराया गया। आगामी 4 जून यानी कि आज पूरे देश में मतगणना हो रही है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई है। पन्ना में भी पुलिस मतगणना की तैयारियां की गई है, जिसका कि फायदा चोरों ने उठाया और व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं व्यापारी अरुण गुप्ता के बीटीआई के पास स्थित मकान में दावा बोल दिया। इस दौरान चोरों ने घर में रखी 50,000 रुपए की नकदी और 15 से 16 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। वहीं जब सुबह परिवार के लोगों ने कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए और तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मामले को लेकर एएसपी आरती सिंह का कहना है कि जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। अभी सामान का तो अंदाज नहीं लगाया है, लगभग हमारे ख्याल से 15 से 16 लाख के बीच की चोरी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें अंदाज नहीं लगाया, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी ज्वेलरी मैडम की रखी हुई थी और कैश भी रखा हुआ था। ये चोरी हुई है लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच में, क्योंकि 2 बजे तो मैं वॉशरूम के लिए उठा था और उस समय तक कुछ नहीं था, उसके बाद फिर मैं सोने चला गया
और लगभग 6 बजे के बाद फिर हम जो है वाशरूम के लिए उठे तो हमने देखा कि जो है दरवाजे बाहर से बंद है। तब बाहर से बंद हुआ तो फिर मैंने हड़बड़ा के जो है दूसरी तरफ से जो है दरवाज़ा खोल के गए तो देखा मैंने कि सारी अलमारियाँ टूटी पड़ी हुई हैं और सारा सामान फैला हुआ है। पन्ना शहर के ही हैं मोदी जी, इनके यहाँ पर चोरी की घटना हुई है और मौके को थाना प्रभारी और स्वयं मेरे द्वारा भी विजिट किया गया है। हमारी डॉग स्क्वाड और हमारी जो FSL की टीम है वो वहाँ पर पहुँच गई है और उसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मैम क्या करते हैं जिनके यहाँ पर चोरी हुई है? ये व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पर ये चोरी की घटना हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो टीम्स हैं वो हमने एक्टिव कर दी हैं और साथ ही साथ जहां जहां CCTV फुटेज लगे हुए हैं उनको भी हम लोग खंगालने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां से हमें जरूर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे को ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण लगभग 193 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये सड़कें पेड़ों की चादर ओढ़े हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हरियाली ओढ़कर स्वयं यहां खड़ी हो। ओमकारेश्वर नोरचक का मार्ग पर अब 4 लेन बनने से शायद श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी, हालांकि जो हरियाली देखने को मिलती थी वो शायद ना मिल पाए। दूसरे और लंबे लंबे ट्रैफिक के दबाव से लोगों को निजात मिलेगी। पहुंचने वाला यह मार्ग जिसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, हरियाली ओढ़े हुआ यह रोड ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर इसकी छांव में कुछ पल बिताते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद यह एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा। भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को जोड़ने वाली यह सड़क 193 करोड़ लगभग लागत से यहाँ 4 लेन बनने जा रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यह चादर ओढ़े पेड़ शायद नहीं दिखाई दें। इंदौर इच्छापुर हाईवे को जोड़ने वाली यह सड़क कुछ ही महीनों बाद इसका काम चालू हो जाएगा और श्रद्धालुओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साधना प्लस न्यूज से घनश्याम माहिल्या की खास रिपोर्ट। सीहोर में रविवार को नारद जयंती के अवसर पर सामाजिक परिवर्तन में पत्रकारों की भूमिका और चुनौतियों के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के नेमा और मुख्य वक्ता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक लोकेन्द्र सिंह मुख्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान ने की। इस मौके पर मुख्य वक्ता लोकेन्द्र सिंह सामान्य तौर पर पत्रकारों का दायित्व है कि समाज में सही सूचना पहुंचाने के साथ ही समाज का प्रबोधन भी करें। खबर जबलपुर से है, जहां रविवार को एक घर में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। आगजनी की घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही बाड़मेर और दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे ये गैस टंकी लीक हो रही थी, तापमान अधिक होने के कारण उसने आग पकड़ ली गैस में, गैस का ब्लास्ट हो गया। ये 4-5 लाख के करीब नुकसान हो गया हमारा। नगद भी कुछ पैसे? हाँ, 80-90 हज़ार नगद थे, सोनो चांदी था, वो सब ध्वस्त हो गया। नहीं, जनहानि तो नहीं हो पाई है, हमारे परिवार में बस तो सब गए हैं, कोई था नहीं अंदर, बाकी घर ही पूरा जल गया। क्या चाहते हो आप शासन प्रशासन? यही चाहते हैं अगर मदद कर दें थोड़ा बहुत। तो नर्मदा नदी में देवास और इंदौर के युवक बार बार डूबने से बच गए। घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम और होमगार्ड के जवान नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। नागरिकों ने जिला आज ओमकारेश्वर में घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। देवास के दो व्यक्ति संतोष और सुनील नागरघाट के स्थान हेतु आए थे, जो गहरे पानी में जाने से डूब रहे थे, जिसे स्थानीय गोताखोर हुकुम अमन पुल लोकेन द्वारा बड़ी मेहनत करके।
खबर जबलपुर से है, जहां कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के 21 वर्षीय बेटे का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का बेटा दिल्ली में रहता था, वहीं उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत होने का कारण के अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुए हैं, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तो वहीं इधर बेटे की मौत के बाद परिवार वालों का रो-रो का बुरा हाल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, नमस्कार।